मैं हूँ रौनक पत्र और मेरे पास एक नोकिया 4.2 के एक हैंडसेट है। तो दोस्तों उसका मॉडल है TA1152 है उसके मॉडल। और उसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि तो देखिए जो भी मैं ये देखिए मैंने अभी फ़ोन को स्विच ऑन कर लिया, तो स्विच ऑन करने के बाद आपके प्रॉब्लम क्या है आपको पता चल जाएगा। उससे पहले जो मेरे चैनल नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं वीडियो को अच्छा लगे लाइक जरूर दे दीजिए। तो इसमें देखिए जो भी मैं पैटर्न है पासवर्ड तो ये रॉन्ग बता रहा है। और उसका ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि मैं उसको हार्ड रीसेट कर लूँगी। तो हार्ड रीसेट करने से पहले आपको यहाँ पर फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर पावर ऑफ कर लिया। तो पावर ऑफ होने के बाद यहाँ पर है आपके वॉल्यूम ऑफ बटन, वॉल्यूम माइनस बटन, ये आपके पावर बटन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि तो ये यहाँ पर वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन को दोनों को सेम टाइम प्रेस करना है आपको। तो सेम टाइम प्रेस करने के बाद ये आ गया आपकी फोन, देखिए आ गया आपकी स्टार्ट ऑफ पर। तो यहाँ पर जो ब्लू का जो सिग्नल होता है यहाँ पर आपको रीड करना होगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम माइनस को मैंने प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर आ गई रिस्टार्ट बूट लोडर रिकवरी मोड। तो ये रिकवरी मोड लाने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको पावर बटन को प्रेस करना होगा। तो पावर बटन को प्रेस करने के बाद ये आपकी फ़ोन अभी रिकवरी मोड पे आ जाएगा। तो रिकवरी मोड आने के बाद यहाँ पर देखिए नो कमांड का ऑप्शन आ चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर पावर बटन को प्रेस करके वॉल्यूम ऑफ बटन को प्रेस कर देना है। तो उसके बाद फिर से आपके आगे ये फ़ोन आपकी फैक्ट्री मोड पर आ चुका है। उसके बाद वॉल्यूम माइनस की को प्रेस कीजिए, ले वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। उसके बाद पावर बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद फिर से वॉल्यूम माइनस बटन को प्रेस कीजिए और उसके बाद फिर से पावर बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आपके फ़ोन यहाँ पर देखिए फॉर्मेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन अभी फॉर्मेट हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है रिबूट सिस्टम नो, यहाँ पर पावर बटन को प्रेस करना है। तो आपके फ़ोन अभी ऑटोमेटिक रिबूटिंग हो जाएगा। और दोस्तों आपकी जो पैटर्न लॉक या जो पर्सनल डाटा उसे इरेज भी अब तक हो चुका है। तो प्लीज़ दोस्तों मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगता है लाइक जरूर दे दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नोकिया इंडिकेशन आ गया, नोकिया का लोगो। उसके बाद देखिए आपकी ये सेटअप आ चुकी है। तो जो भी आपकी जो पर्सनल डाटा सब इरेज भी हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे दे। उसके बाद सी ऑल, तो आपको यहाँ पर आपके वाईफाई को सेटअप करना है। तो यहाँ पर आपको सेटअप करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन आगे चले जाएगा और उसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट। उसके बाद डोंट कॉपी, तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपके आपको तो पासवर्ड मालूम नहीं है, उसका यूज माई गूगल अकाउंट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर आपको आपके पर्सनल डो जीमेल अकाउंट देकर आपको आगे चलना होगा। तो फिर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा था लाइक जरूर दे दीजिए।